अभी वार्ड में लड़ रहे हैं, एक वार्ड छोड़ कर के चेयरमैन का सीट अभी तक भाजपा का नहीं पटदारी बात 4500 लोगों ने आवाज पाया। किसी नगर पंचायत में भाई बात पटदार बात ये गांव का चुनाव मान कर। नमस्कार साथियों, इस समय हम भाजपा कार्यालय पे हैं जहां पर भाजपा के दो पुराने कार्यकर्ता प्रमोद सिंह एडवोकेट और अशोक यादव जी हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं इनसे। बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है इस समय? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती सुधा सिंह, पत्नी अमरजीत सिंह, जोड़ तोड़ से नगर पंचायत के अंदर चुनाव प्रचार कर रही हैं और बढ़त बना रही हैं। आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम बासगांव नगर पंचायत के अंदर लहराने वाला है। इतने वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं सभासद पद के लिए? लगभग सभी वार्डों में लड़ रहे हैं, एक वार्ड छोड़ करके बाकी सभी वार्डों में भाजपा के सभासद कमल के खुद चुनाव चिन्ह से। कौन से वार्ड में भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिला? प्रत्याशी तो मिला था लेकिन प्रत्याशी टिकट लेने में इनकार कर दिया। तुम्हें पता नहीं क्या उसके मन में आया तो उसने कहा कि हम बगैर टिकट का ही चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ी पार्टी है, यह देश के लिए बहुत सारे काम किया है, बांसगांव में तमाम विकास हुआ है, श्री दुर्गा मंदिर का हुआ है। अब तक नगर निकाय में कितने सभासद प्रत्याशी जीते हैं? नगर निकाय में अब तक प्रत्याशी लगभग भाजपा के ही जीतते रहे हैं और ये क्या नाम है कि चेयरमैन का सीट अभी तक भाजपा का नहीं निकला लेकिन सभासद अधिक से अधिक सभासद भारतीय जनता पार्टी जीतते हैं। क्या कारण रहता है कि चेयरमैन की सीट भाजपा हार जाती है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है, बासगांव नगर पंचायत की जो बात हो रही है तो यहाँ पटीदारी बात संगठनात्मक लोगों का ध्यान हट जाता है, क्योंकि बासगांव पूरा नगर पंचायत विधानसभा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ कहीं ऐसी परिस्थितियाँ कायम हो जाती हैं कि ये पट्टीवाद और ये इस तरीके की बातें करके लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा पाते। लेकिन इस बारे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के कार्य हुए हैं नगर पंचायत से लेकर पूरे विधानसभा में पूरे देश के अंदर, अभी इस बार वो नगर पंचायत को ही ले लिया जाए तो यहाँ कम से कम 4400-4500 लोगों ने आवाज़ पाया, शौचालय घर लोगों ने पाया। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बड़ी आसानी से विजय प्राप्त करता है। कार्यकर्ता तो उत्साह कैसा, तमाम कार्यकर्ता भाजपा के मैदान में नहीं दिख रहा है, ऐसा क्या कारण है? भाजपा का कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है वो तो लगे ही हुए हैं लेकिन एक बात इसी नगर पंचायत में भाई बात पटदार बात ये गांव का चुनाव मान करके लोग अपने अपने पटदारी में अपने अपने नज़दीक के लोगों में लोग चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार निवेदन करती है, बार बार कहती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ता हैं, आइए जुड़िए भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करिए। लेकिन यह भाई बात पटीदारी बात इसमें लोग उलझ करके नगर पंचायत में जो है अलग अलग खेमे में बढ़ जाते हैं लेकिन विधानसभा लोकसभा में सारे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भाजपा के कार्यालय से बात कर रहे हैं।